जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGWH गौरव। आज जा रहे हैं छोटी मौसी घर से दुर्गापुर और रेडी हो चुके हैं। और हम जाएंगे, मेरी छोटी मौसी जाएगी और मेरे माँ जाएगा, तीनों मिलकर जाएंगे दुर्गापुर। तो किस तरह से दुर्गापुर जा रहे हैं हम लोग, आज का जर्नी भी दिखाएंगे और कहाँ जा रहे हैं दुर्गापुर, ये भी देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग सभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, तो आज का जर्नी किस तरह से रह रहा है ये देखते रहिए। माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग है, गाड़ी को पार्क कर चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं जयचंडी पहाड़ स्टेशन। ये है स्टेशन और अंदर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं ट्रेन कितने बजे है। तो 7:40 में बोल रहा ट्रेन है। ये है स्टेशन का बाहर का लुक, बहुत ही खूबसूरत लुक है। और अब चलते हैं अंदर, उसके बाद ट्रेन में चढ़ेंगे और जर्नी होगा किस तरह से, ये आप लोगों को दिखाते हैं हम। जयचंडी पहाड़ में माँ जयचंडी भगवान भी है। और जयचंडी पहाड़ का वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों टिकट ले चुके हैं और स्टेशन के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ देखिए मौसी बैठी हुई है, माँ खड़ी है, भैया वहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं और भैया अभी घर चले जाएंगे रिटर्न, क्योंकि ओनली फॉर मौसी को छोड़ने के लिए आए थे भैया, क्योंकि ट्रिपल लोड तो ट्रैफिक रूल के नियम से बाहर है, इसीलिए ट्रिपल लोड में आ नहीं पाए हम। हम तो आए अपना पार्क में, गाड़ी पार्किंग में गाड़ी रख चुके हैं। और ऐसे तो ट्रिपल लोड हम चलाते हैं ऐसे जब कभी मौका मिलता है गाँव घर में, लेकिन ऐसे में तो ट्रैफिक में तो पकड़ेगा, इसीलिए फाइन हो जाएगा, इसीलिए हम चलाए नहीं। भैया चले जाएंगे अपना घर और हम लोग अपना जर्नी किस तरह से हो रहा है ये आप लोगों को दिखाते हैं। तो अनिल दोस्तों ट्रेन में चढ़ चुके हैं और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सीट मिलना मुश्किल है, इसीलिए खड़े हैं हम। माँ भी खड़े हैं और मौसी मिल चुका है पूरी तरह से, इसीलिए मौसी बैठी हुई है। तो अब आगे की ओर जा रहे हैं, किस तरह से पहुँच रहे हैं दुर्गापुर ये आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग को बैठने का मौका मिल गया और बैठने के बाद झालमुड़ी का सेवन हो रहा है, इधर माँ का भी हो रहा है, इधर छोटी मौसी का भी झालमुड़ी का सेवन हो रहा है। हम भी ले चुके हैं झालमुड़ी, तो खाते हैं और जर्नी का मजा लेते हैं। माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। झालमुड़ी खाने के बाद खीरा ले चुके हैं, खीरा खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कर रहे हैं सब कुछ आप लोग दिखाते हैं। खीरा खाने के बाद पपड़ी लेनी है और पपड़ी खाते खाते आगे जा रहे हैं। दुर्गापुर स्टेशन में पहुंच चुके हैं और अब निकलते हैं बाहर, फिर देखते हैं टोटो मिलता है या ऑटो मिलता है या बस मिलता है, जहां हम लोग जाना है। तो ब्लॉग में बने रहिए देखने के लिए। माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। तो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और अभी देखते हैं, यहाँ पर बस भी है और एम्बेसडर कार भी है, तो देखते हैं किस में अभी जाने का विचार करते हैं, क्योंकि मम्मी लोग पीछे से आ रही है आंधी जी, उसके बाद देखते हैं किस में चढ़ के जाते हैं। तो बस में हम लोग बैठ चुके हैं और मौसी आगे बैठी है, पीछे में मेरी माँ भी है और
अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर सिटी सेंटर, और वहाँ जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में, तो बने रहिए। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। तो दुर्गापुर सिटी सेंटर बस स्टैंड में उतर चुके हैं और यहाँ पर टोटो लेते हैं, और हम लोग दुर्गापुर रेसिडेंसी जाना है तो वहाँ चलते हैं टोटो लेके। तो बस स्टैंड में बस से उतरने के बाद जियाजी रिसीव करने आए हैं हम लोग को, और अभी चढ़ गए हैं कार में, अब जा रहे हैं होटल। कौन सा होटल में जा रहे हैं ये देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग आए हुए हैं होटल अस्ट्रॉन, और शादी है यहाँ पर, मैंने दीदी का ननद का शादी है, तो अंदर घुसते हैं उसके बाद दिखाते हैं कैसा माहौल है होटल का। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। हम लोग लिफ्ट में चढ़ चुके हैं और जा रहे फोर्थ फ्लोर, तो ऑलरेडी लिफ्ट से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और हम लोग का रूम है 501 में, तो चलते हैं अब अंदर रूम के, उसके बाद आप लोग को रूम का भी लोकेशन दिखाते किस तरह से है, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों को दिखाएंगे और भी नज़ारा यहाँ का, तो बने रहिए। तो होटल के रूम में आ चुके हैं और रूम का नज़ारा कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर कवर्ड है, यहाँ पर सब कुछ रख चुके हैं और यहाँ टीवी है, तो मन करेगा तो देखेंगे। और यहाँ पर दोनों बहन मतलब माँ और मौसी बैठी हुई है, तो और भी कुछ यहाँ का नज़ारा अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो होटल का लिफ्ट है वहाँ पर, और यहाँ पर होटल का रूम है जहाँ पर हम लोग अभी ठहरे हुए हैं, और ये सीढ़ी है, सीढ़ी से चलने वाले बहुत ही अच्छा नज़ारा है, तो आप देख सकते हैं इधर देख रहे बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जो भी अगर और भी कुछ मिलता है यहाँ का नज़ारा देखने खूबसूरत नज़ारा तो आप लोगों को दिखाते हैं इस वीडियो में। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरे डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। तो अभी होटल से ब्रेकफास्ट आ चुका है, और कुछ इस तरह का है ब्रेकफास्ट पैक किया हुआ, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और मेरे पास दो केला हो गया क्योंकि मम्मी केला खाती नहीं है, इसीलिए केला हम ही खा लेते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद और क्या करते हैं ये आप लोगों को दिखाएंगे हम। ये है दीदी, और ये अभी और क्या क्या हो रहा है ये आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, तो बने रहिए ब्लॉग पर। मेरे माँ के गोद में भगनी सो रही है। स्विमिंग पूल के ऊपर शादी का मंडप किया गया है, और इधर देखिए यहाँ पर नाइट में पार्टी होगा, लाइट लगाया गया है, और ये होटल में हम लोग अभी है, इसी होटल के अंदर रूम है, और अभी लाइट पूरा कंप्लीट होने के बाद लाइट का काम, नाइट में जब जलेगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगेगा इस जगह में। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे सभी इस जगह में, सभी इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर बड़ी मौसी भी आ चुकी है, मौसी और बड़ा मौसा भी, और ये जगह में ही हम लोग अभी बैठ कर सब कोई इंजॉय कर रहे थे। और क्या क्या करते हैं ये आप लोग हम दिखाएंगे और भी। तो हम लंच कर चुके हैं, और यहाँ पर मम्मी दीदी बड़ी मौसी छोटी मौसी लंच कर रही है, और यहाँ पर देखिए
मैं बड़ा मोशा जी ने कुश्ती को गोद में लिया हुआ है और आगे क्या क्या हो रहा है सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और अभी बज रहा है शाम का 6:30 और जा रहे हैं हम पार्टी में। तो पार्टी में किस तरह से माहौल है ये हम देखते हैं और आप लोगों को भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से पार्टी का माहौल है। माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And My other channel name is नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. जिस दीदी का हो रहा है वो है यही दीदी और पार्टी का तभी स्टार्टिंग हो रहा है। इसलिए भीड़ अभी कम है, पार्टी पूरा फुलफिल हो जाए तो और भी भीड़ होगा। तो चलिए अभी हम पार्टी का मजा लेते हैं। दुल्हन कहाँ बैठी है, वहाँ का माहौल कैसा है ये दिखाएं हम आप लोगों को, और पार्टी में किस तरह से माहौल है ये भी हम आप लोगों को दिखाएं। और अब हम भी पार्टी का मजा लेंगे। और ये जो स्टेज देख रहे हैं ये दूल्हा के लिए स्टेज बनाया गया है, क्योंकि बारात आएगा, बाराती सब, उसके बाद दूल्हा यहीं पर बैठेगा और सभी बाराती यहाँ पर बैठेगा, इसीलिए सेटिंग किया गया है यहाँ पर। और यहाँ का जो झूमर देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत झूमर है, लगाया गया है दो गो, और उस रूम में भी लगाया गया है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है झूमर। तो चलिए अब हम पार्टी का मजा लेते हैं। सो फाइनली गाइस, पार्टी समाप्त हो चुका, पार्टी में बहुत ही इंजॉय किए और अभी बज रहा है रात का 1:01 और बहुत थक गए हैं, जा रहे हैं सोने के लिए, सोएंगे और एक ही बार सुबह हो जाएगा, इतना थक गए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइए, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।